कोरोना के चलते सभी व्यवसाय प्रभावित हुए हैं, जिनमें से कुछ व्यवसाय कर्फ्यू के चलते बंद पड़े हैं तो कुछ अभी तक शहरवासियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल उनमें से एक हैं जो ऑनलाइन शहरवासियों को खाना और स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध करवा रहे हैं। ये खाना या तो व्यवसायी अपने कर्मचारी के माध्यम से घर घर पहुंचा रहे हैं या निजी कंपनियों के कर्मचारियों की सहायता ली जा रही है। कोरोना के संकट में ये कर्मचारी संक्रमण का खतरा उठाए घर घर जाकर खाद्य पदार्थ पहुंचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे कोरोना रोगी के घर भी सेवाएं देने को तैयार हैं, लेकिन वे इस बात की जानकारी पहले ही दें कि ताकि वे सभी सावधानियां रखें। जानकारी देते हुए ऑनलाइन डिलीवरी से जुड़े कर्मचारियों ने चिंता जताते हुए कहा कि वे भी जिम्मेदार नागरिक हैं और उनका भी परिवार है, लेकिन घर चलाने के लिए वे घर घर जाकर होम डिलीवरी कर रहे हैं। इसके लिए संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है। उन्होंने शहरवासियों से आग्रह किया है कि जब वे ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं तो इसका भुगतान भी ऑनलाइन करें, ताकि स्वयं भी सुरक्षित रहे और डिलीवरी करने वाला भी सुरक्षित रहे। सर, मेरा नाम अभिनव सक्सेना है, मैं जोमेटो में काम करता हूँ। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो आप हमारे को पेमेंट करते हैं, कैश इन हैंड करते हैं, वो आप ऑनलाइन कंपनी को ही पेमेंट कीजिए, क्योंकि लिए आजकल किसी को नहीं पता कि कोरोना किसको है, ठीक है ना जी। और मनी ट्रांसफ़र से सबसे ज़्यादा कोरोना फैल सकता है। हम लोगों के भी बच्चे हैं, हम लोगों भी काम करने आते हैं, सुबह से शाम तक हम लोग भी लगे रहते हैं, ठीक है। कोरोना हो चाहे बारिश हो धूप हो, हम आप लोगों को खाना सप्लाई करते हैं, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा तो हमारे पे तरस आना चाहिए। अब इस वक्त शॉप्स बंद है, हमारे हाथ में कैश लिमिट बढ़ जाता है, हमारे को कैश लिमिट दी हुई होती कंपनी ने। अब आप बताइए, हमारी आईडीज बंद होगी तो हमारे को चुपचाप घर जाना पड़ेगा, कौन करेगा आप लोगों को डिलीवर खाना। और सर, जैसे बात करें कि जैसे आपको ऑर्डर आते हैं तो आपको क्या पता होता है कि जिस पर्सन का ऑर्डर? हाँ, उसमें ऑप्शन आती है जो COVID-19 की एक ऑप्शन होती है, उसमें अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आप उसमें ऑप्शन में जाके उसको क्लिक कर सकते हैं, हमारे को पता लग जाएगा कि आपको जो है कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी करनी है। जी सर, फूड डिलीवरी के लिए पहली बात तो ये कि मतलब जैसे हम कहीं पे ऑर्डर लेकर जाते हैं तो हमें पहले तो ये नहीं पता होता कि जिस घर में हम ऑर्डर दे रहे हैं वो पॉजिटिव है, किसी के घर में नेगेटिव है, अभी कोई पता नहीं है। तो फिर सबसे पहली समस्या तो यही आती है कि हम उसके बारे में कोई कंफर्म नहीं होता। मेरा अनुरोध यह है कि अगर कोई होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर करता है तो सबसे पहले तो वो अपने घर की मतलब ये बता के चले कि हमारे घर में कोई वैसे बीमार है या नहीं है, उस हिसाब से हम उसे डिलीवर करें। अब हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो भी सकता है कि नहीं भी हो। तो अगर पॉजिटिव हो तो हम उसी हिसाब से कुछ एक्शन ले कर चले कि हाँ, हम उनके डोर स्टेप पर कहीं पे खाना छोड़ सकते हैं और हमें वो पेमेंट भी है, जैसे वो गूगल पे के थ्रू कर दे या किसी और थ्रू कर दे, ऑनलाइन कर दे। मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई भी चपेट में आए इसकी, क्योंकि हमारी भी फैमिलीज है, हमें भी अपने घर जाना होता है। खुदा ना खास्ता कि कहीं ऐसा हो कि भी हाँ, हम भी किसी से संक्रमण में आ जाए तो मुश्किल हो जाएगी। बाकी हमने ऐसा प्रोसीजर रखा है कि हम पहले तो ऑनलाइन पेमेंट ही लेते हैं किसी से अगर ऑर्डर करना हो, ठीक है जी। और फिर दूसरी बात यह कि किसी के घर पे डिलीवर करते हैं हम ऑर्डर तो सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं हम, उसके बाद ग्लव्स यूज़ करते हैं कि हमें मतलब वो संक्रमण ना हो।